अभी हम बेसिकली फ्लोरीन की बात करेंगे। फ्लोरीन एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है कहा जा सकता है, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं ना, व्हेन फ्लोरीन इज़ टेकन इन ट्रेस अमाउंट्स, वो ओवरशैडोड हैं बाय द डिसएडवांटेजेस, जो नुकसान होते हैं व्हेन इट इज़ टेकन इन एक्सेस। ये बात आपको समझ आएगी व्हेन वी आर डन विद दिस लेक्चर। सही है, तो फ्लोरीन का यूजुअल सोर्स क्या होता है फॉर मोस्ट पीपल? ड्रिंकिंग वाटर। अगर पीने के पानी में फ्लोरीन की कंसंट्रेशन 2 पार्ट्स में मिले यानी उससे थोड़ी कम हो तो दैट्स ओके, उसकी बंदे की जो फ्लोरीन रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। सही। अच्छा, फ्लोरीन कैसी चीज़ों में काम आता है आपको प्रॉब्ली अंदाज़ा होगा फ्रॉम सीइंग अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स रिगार्डिंग टूथपेस्ट एंड सच, कि फ्लोरीन जो डेंटल केरीज है ना उसकी डेवलपमेंट को प्रिवेंट करते हैं। मे बी आपको अंदाज़ा ना हो कि एग्जैक्टली डेंटल केरीज होती क्या है। डेंटल केरीज इज टूथ डिके, जो कि बैक्टीरियल एसिड्स की वजह से होता है। बैक्टीरियल एसिड्स कौन बनाता है? वो बैक्टीरिया जो कि ओरल कैविटी में पाए जाते हैं। सही है ना? आई एम होपिंग कि आपको ये सारी बात समझ आ रही होगी। तो जो फ्लोरीन है वो एक कंपाउंड बनाती है फ्लोरोएपेटाइट, जो कि एसिड रेजिस्टेंट होता है और जो कि टूथ को कवर करता है, और साथ में बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स को भी इनहिबिट कर देती है ताकि एसिड सिक्रीशन ही कम हो जाए। अब सवाल ये बनता है कि फ्लोरोएपेटाइट की जो लेयर है वो कैसे बनती है। बोन्स की तरह टीथ इज मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सी या कंटेन्स हाइड्रोक्सीएपेटाइट क्रिस्टल्स, एनिमल में भी मौजूद होते हैं। एनिमल आउटरमोस्ट कवरिंग होती है टीथ की, तो जो एनिमल के हाइड्रोक्सीएपेटाइट है ना, फ्लोरीन उनके साथ मिलकर फ्लोरोएपेटाइट क्रिस्टल्स बना देती है। इसके अलावा जो बोन्स की डेवलपमेंट है ना उसमें भी फ्लोरीन इंपॉर्टेंट होती है। ये भी इंटरेस्टिंग बात हो आप लोगों के लिए, बिकॉज आपने पहले ना सुनी हो कि बोन्स में भी होती है, आप सिर्फ टीथ का सुनते हो। और सर्टेन एंजाइम्स को इनहिबिट भी करती है, यानी सोडियम फ्लोराइड एनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। एनीवेज, अगर 0.5 पार्ट्स पर मिलियन से कम फ्लोरीन की कंसनट्रेशन हो ड्रिंकिंग वाटर ऑफ किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना उनमें डेंटल केरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर किसी इलाके में 5 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा हो तो जो पीपल होते हैं ना दे हैव अ सेट ऑफ सिम्टम्स इन्हें हम टोटली डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। अगर उस इलाके में फ्लोरीन की कंसनट्रेशन 5 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा हो, उसमें क्या होता है, जो एनिमल है उसकी मॉटलिंग होती है, टीथ की डिस्कलरेशन होती है, टीथ वीकन भी हो जाते हैं, और इसके अलावा दे शो येलो एंड ब्राउन पैचेस, इसे हम डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। अगर 20 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा हो जाए तो फिर जो सेट ऑफ सिम्टम्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं स्केलेटल फ्लोरोसिस। उसमें क्या होता है, हाइपर कैल्सिफिकेशन होती है बोन्स की, और जो बोन डेंसिटी होती है ना बोन्स की, जो लिम्ब की बोन्स हैं, जो पेल्विक बोन्स हैं, जो स्पाइन की बोन्स हैं, उनकी हाइपर कैल्सिफिकेशन की वजह से बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन जो स्पाइन के लिगमेंट्स हैं ना, हमने कहा है ना कि स्पाइन की जो बोन्स की हाइपर कैल्सिफिकेशन होती है, उनके जो लिगमेंट्स हैं वो भी कैल्सिफाई हो जाते हैं, और जो कॉलेजन होती है ना इन बोन्स की वो भी कैल्सिफाई हो जाती है। ऐसा नॉर्मली कभी नहीं होता, ऐसा होता रहता है कि इवेंचुअली जो पर्सन होता है ना वो क्रिपल हो जाता है, क्योंकि वो उसके जॉइंट्स सब स्टिफ हो जाते हैं हाइपर कैल्सिफिकेशन की वजह से। ऑफन टाइम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी कॉन्करेंट होते हैं, इन सबको हम स्केलेटल फ्लोरोसिस कहते हैं। आई एम होपिंग कि हेल्पफुल था।